आज एक मुतालिम ने, एक ब्रदर ने, जिसकी कोई हैसियत नहीं सिवाय इसके कि वो शायद कुरान करीम का हाफिज है वो, और कुछ पढ़ा होगा यहां वहां, उस आदमी ने, उस शख्स ने, और मीडिया पर बहुत ज्यादा छाया रहता है, क्योंकि वसाइल हैं जो जितना ज्यादा उसके लिए जतन करता है, मादी जतन, मानवी जतन, सोर्सेज लगा करके उतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। ये तो कोई बात नहीं, और चरब जबानी तो आ सकती है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, इस वक्त जब उम्मत के उलमा ने और किबार उलमा ने फैसला किया हुआ है कि मसाजिद को बंद करने में कोई हर्ज नहीं है वबा की रोकथाम करने के लिए, वो कहता है मसाजिद को बंद करना ये जहालत है, गोया पूरी उम्मत के उलमा को जाहिल करार देता है ये शख्स जो खुद अपने आप में जाहिल है। ऐसे शख्स और भी स्टेज लगा करके, मिंबर लगा करके, और मीडिया के दोष पर सारी उम्मत के सामने, पूरी दुनिया के सामने उम्मत के किबार उलमा की तजहील करता है, उनकी तनकीस करता है, क्या साबित करता है? क्या ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि ये उम्मत के उलमा से इन अवाम का एतबार खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और इस अपने अपनी जहालत के बावजूद अपने पीछे, अपने जाहिल, अपने जैसे जाहिल के पीछे उम्मत को लगाना चाहता है, ताकि अवाम ये समझे कि हाँ, हजरत ने तो बहुत अहम बात कर दी जो पूरी उम्मत गलत कर रही है, इन्होंने रहनुमाई कर दी। क्या है ये, क्या है ये? आपने सोचा कभी इस चीज को? आपने सुना होगा, शायद देखा होगा मेरे भाइयों, वो वीडियो वायरल है, नशर होती है, हम तो कम देखने वाले लोग हैं, कोई भेजता तो हमें पता चलता है, लेकिन आप लोग शायद जानते हो मेरे भाइयों कि इस तरह की बात चलती। याद रखो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने कहा था, और कौन है ये इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका पूरा वजूद इल्म से भरा हुआ, इल्म का खजाना, मेरे भाइयों, कनीफुन मुलिया इल्मन व हिकमतन, ये जो छोटा सा जिस्म दिखाई दे रहा है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने कहा था, ये इब्न मसूद का छोटा सा जिस्म देखते हो ना, दुबले पतले थे, छोटे कद के थे, पतली पतली पिडलिया, अल्लाह अकबर, कहा कनीफुन मुलिया इल्मन व हिकमतन, ये छोटा सा इंसान जो देख रहे हो ना, ये इल्म व हिकमत से भरा हुआ है, जिसे इल्म हासिल करना हो इब्न मसूद से इल्म हासिल करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या है मसला? इब्न मसूद कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, और सुनो गौर से, सुनो गौर से, ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अखज़ु अल-इल्म अन अकाबिरिहिम व अन उमनाइहिम फइज़ा अखज़ु मिन सिगारिहिम व शिरारिहिम हलकु। इस रिवायत को नसीहत अहले हदीस खदीब बगदादी ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया। इब्न मसूद फरमाते रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं लोग उस वक्त तक खैर व भलाई में रहेंगे, हमेशा हमेशा उस वक्त तक खैर व भलाई में रहेंगे जब तक इल्म अपने बड़ों से लेंगे और अपने अमानतदार उलमा से लेंगे। जब तक अपने बड़ों से इल्म हासिल करेंगे, बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर उलमा से इल्म हासिल करेंगे और अमानतदार उलमा से इल्म हासिल करेंगे, तब तक लोग खैर व भलाई में रहेंगे, कामयाबी में रहेंगे। फ़ाइदा अखज़ु अन सिगारिहिम व शिरारिहिम हलकु, और जब ये लोग इल्म अपने छोटों से लेने लगेंगे और बुरे लोगों से लेने लगेंगे, हलकु, तो ये हलाको बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, उम्मत की बका, खैर व भलाई उम्मत के अकाबिर उलमा से जुड़ी हुई है। अल बरकत मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, अकाबिर के साथ में है। पूरी उम्मत की उलमा की रहनुमाई करने का अल्लाह ताला ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया है, और आज ये जाहिल खड़ा होकर के मीडिया के दोष पर, और बातें ऐसी सतही किस्म की है, अल्लाह की कसम है, कोई इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, दलील दुरुस्त नहीं, पेसर पैर की बातें, बस मेरे भाई चर्ब जबानी, चर्ब जबानी, बस इसके सिवा कुछ नहीं, और पूरी उम्मत को गलत ठहरा रहा है, पूरी उम्मत को जाहिल करार देता, कहता है ये जहालत है, मस्जिदों को बंद करना जहालत है, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से मस्जिदों को बंद करना ये महज जहालत की वजह से है। अस्तग़फिरुल्लाह, किस कदर जुरत है, दीदा दिलेरी है, क्या है ये? अकाबिर से इल्म हासिल करेगी उम्मत तो भलाई में रहेगी, अल्लाहु अकबर, और ये जाहिल खड़ा होकर के मीडिया के दोष के ऊपर कहता है ये सारे अकाबिर सबके सब जाहिल हैं, जिन्होंने कोरोना के माहौल में, कोविड के माहौल में वबा से बचने के लिए मस्जिदों के बंद करने के लिए रजामंदी का फैसला किया है और जवाब का दर्जा दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी बड़ी जुरत की बात है ये।